जिसमें अधिराज बैठ सकता है और वो अधिराज बैठा है नदी में और ये मैं और पीछे ये मेरी चाची। हेलो गाइस, ये रही मेरी चाची। ओ हाँ, मैं तो एक चीज भूल ही गई। हेलो गाइस, वेलकम टू चाची एंड लड्डू चैनल। आज हम आए हैं सीपी मॉल, आपको तो पता ही है क्योंकि हमारे पास चाची के बाद मेरी चाची के पास एक बाबू है, भाई मतलब बच्चा। हाँ वो ये रहा। हाँ वो ये रहा उनका जब बच्चा, ये अच्छा नहीं था ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम आए हैं विद फैमिली सीपी मॉल जो अभी नया खुला है। तो हम लोग आए हैं सारे, अधिका पहले भी आई है अपने मम्मी पापा के साथ, पर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे। अभी नया ही खुला है ये, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अंदर डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे म्यूजिक है, पंजाब का पूरा थीम दिया है यहाँ पे साइड में। यहाँ पे डांसिंग भी कर सकते हैं, म्यूजिक बजता रहता है। अधिका ने भी किया था और ये मैं थोड़ा सा वो करते हुए। और ये देखें, यहाँ पे काफी अच्छा डेकोरेशन किया था। छोटा सा ही ब्लॉक है ये मेरा, ये देखिए, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे। ये देखिए बचपन का दिन, यहाँ पे ये मिट्टी का वो बना रहे थे कुल्हड़, मतलब बना सकते थे कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी जा सकता था। अधिका तो बहुत लेट में आई थी, पहले वो हम घूमने चले गए, उसके बाद क्योंकि जब हम आए थे तो काफ़ी भीड़ थी तो हमने सोचा बाद में करेंगे, बाद में उनका टाइम ख़त्म हो चुका था, मतलब उन लोगों का टाइम होता होगा कोई, तो वो कर नहीं पाई, पर थोड़ा सा कर लिया था फिर भी उसने लास्ट में। ये देखिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था। और ये मेरा बेटू देखो अपने पापा के साथ देख रहा है, काफ़ी इंजॉय करता है। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए ना, और एक हमारा टाइम था, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था, और आजकल के बच्चे तो भाई पैदा होते ही घूम रहे हैं मॉलों में, कहीं भी एडवांस है सब कुछ। ये देखिए अधिका फ़ोटो खिंचा रही है, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है। व्लॉगिंग करने का एक फ़ायदा भी होता है कि हाँ, मतलब जो हम वीडियोस बनाते हैं कई बार हमारे फ़ोन से डिलीट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, मिलती नहीं है, तो व्लॉगिंग से ये होता है कि आपने अगर वीडियो डाली है तो आप लोग कभी भी देख सकते हो अपने चैनल पे जाके, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। ये देखिए पूरा डेकोरेशन था, काफ़ी अच्छा था। आस पास के लोग, आप लोग भी जाइएगा, काफ़ी अच्छा था। ये अधिका यहाँ पर डांस कर रही है, पंजाबी गाना चल रहा था यहाँ पर, शोर बहुत था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मज़ा बहुत आया हम लोगों को वहाँ पे। हम सब जगह घूमे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, इंजॉय किया और मस्ती की और हम लोग आ गए। अधिका तो कह रही थी चाची आप भी आओ, आप भी आओ, मैंने कहा नहीं। यहाँ पे ये देखिए दो लड़कियाँ, ये पंजाबी होंगी, काफ़ी अच्छा भांगड़ा कर रही थी, ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर इन लोगों के जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके तो खून में ही पंजाब बसा है, ये थोड़े ये पंजाबी हैं तो भाई अपना डांस तो ये बहुत अच्छा बखूबी करते हैं। ये देखिए भांगड़ा बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, दोनों लड़कियों ने, सब लोगों ने इनके लिए तालियां भी बजाई, काफ़ी अच्छा कर रहे थे। और अधिका अपना ही कुछ कर रही थी। फिर हमने थोड़ी बहुत ये देखा, डांस वांस के देखा बच्चों का और इन लड़कियों का, उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए। थोड़ा अधिका के लिए शॉपिंग करी है, मतलब सब ने कुछ ना कुछ लिया उस दिन। और ये अधिराज मेरे साथ वॉइस ओवर कर रहा है, देखिए ये भी कह रहा है मम्मा आप व्लॉगिंग करो, मैं पीछे से वॉइस ओवर करूंगा। ये देखिए इसके ताऊ जी और इसके पापा, ये पता नहीं इसके हाइट वाइट नाप रहे हैं। और ये अधिका लास्ट में अपना वो करने लग गई मटका वगैरह बनाने के लिए। बस ये छोटा सा ही व्लॉग था हमारा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, क्योंकि आप कहीं घूमने जाते हैं तो टाइम नहीं लग पाता कि हम इतना लंबा वीडियो बनाएं शूट करें, तो इसलिए छोटा सा ही बना पाई हूँ। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।